मॉर्निंग जी, मैं डॉक्टर नवजोत सिंह, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पेशेंट की जिसका नाम सुचित है। वो 22 ईयर मेल जम्मू से हमारे पास आया था। सुचित को 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसके उस टाइम पे काफ़ी सीवियर हेड इंजरी थी और उसके चूलों में भी चोट लगी हुई थी, तो जिसका इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जम्मू में किया गया था। जब सुचित आज से एक महीना पहले मुझे सांबा ओपीडी में मिला, तो उस टाइम पे उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो लेफ्ट साइड का पैर था वो काफ़ी टेढ़ा हो चुका था, तो उसके कारण वो पैर से अच्छी तरह चल नहीं पाता था। विदाउट सपोर्ट वो चलने में नाकामयाब था। जब मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया तो पेशेंट को मैंने डायग्नोज किया कि उसको स्पास्टिक फुट है, स्पास्टिसिटी है लेफ्ट लोअर लिम में, जो कि हेड इंजरी के कारण अक्सर कुछ पेशेंट्स में आ जाती है। स्पास्टिसिटी में क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स काफ़ी एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्गली, और जिससे पेशेंट के विद टाइम उसकी पैर में जो है डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, तो उसके कारण वो पेशेंट ठीक तरह चल नहीं पाते। तो स्पास्टिक जो फुट की डिफॉर्मिटी थी, उस डिफॉर्मिटी में उसको इक्वाइनो वेरस हो गया था। वो उसका जो पैर है नीचे की तरफ गिर गया था और अंदर की तरफ मुड़ गया था, तो जिसके कारण वो प्रॉपरली चल नहीं पाता। तो आफ्टर काउंसलिंग द पेशेंट्स हमने उसको ऑप्शंस दिए थे कुछ, तो जो हमने उस पेशेंट में ऑपरेशन किया है वो ऑपरेशन था जिसको हम बोलते हैं TA लेंथनिंग, जो पीछे उसका क्वाइनस डिफॉर्मिटी थी, पैर की एडी नीचे नहीं लग पाती थी, उसको ठीक करने के लिए उसका जो टेंडन था, जो जिसको हम टेंडोएक्लिस टेंडन बोलते हैं, उसकी शॉर्टनिंग हो गई थी, उसकी हमने ओपन लेंथनिंग की। और दूसरा साथ ही में उसी के साथ हमने उसको मसल बैलेंसिंग जो कहते हैं कि ऑपरेशन किया था, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, जो इसमें कल्प्रिट मसल होता है वो टिबियलिस इंटीरियर और टिबियलिस पोस्टीरियर होता है, जिसका हमने स्प्लिट ट्रांसफ़र किया। स्प्लिट ट्रांसफ़र करके टिबियलिस इंटीरियर को हमने लेटरल साइड में लेटरल यूनिफॉर्म बॉन पर ट्रांसफ़र किया और स्प्लिट टिबियलिस पोस्टीरियर को लेटरल साइड में निकाल के उसको पेरियोनिस ब्रेविस, जो बाहर की तरफ एक तंद होता है, उसके साथ अटैच किया। ये ऑपरेशन करने के बाद हम उसके पैर की पूरी डिफॉर्मिटी करेक्ट कर पाए और पेशेंट को एक हफ्ता पहले हमने डिस्चार्ज भी कर दिया और पेशेंट बिल्कुल ठीक।